वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इंडिया यूथ गेम्स 2021 के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए गुरुग्राम में प्रमोशनल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में खिलाड़ियों सहित दर्शकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री बनवाली लाल, खेल और युवा मामले में राज्य मंत्री संदीप सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इन खेलों के लिए 25 दिन यानी कि 600 घंटे बाकी रह गए हैं। उन्होंने इच्छा जताई कि हरियाणा के खिलाड़ी इन खेलों में भी प्रदेश को वैसे ही प्रथम लाएँ और जैसे वह ओलंपिक्स और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी देश में सबसे आगे लेकर आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन खेलों के लिए देश भर से लोग आएंगे जिससे यहां लघु भारत का दर्शन होगा। इंतजार जो है अभी ये खत्म हुआ है, उल्टी गिनती आने वाले 4 जून को देखा जाए तो 25 दिन बाकी बचे हैं और अगर इसको घंटों में बदलते हैं तो 600 घंटे बाकी बचे हैं। जब घंटों की गिनती उल्टी गिनती शुरू होती है तो फिर जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती हैं, खास करके आयोजकों की, कि जितनी बड़ी संख्या में आयोजक इस कार्यक्रम को करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम है। लगभग 8,500 खिलाड़ी और उनके साथ जो अन्य प्रबंधकर्ता और जो खेल को कराने वाले ऐसा जो लोग सब हैं देश भर से आने वाले हैं, उन सब 8,500 लोगों को 10 दिन तक उनको ठहराना है, उनकी आवासीय व्यवस्था, उनको खाने की व्यवस्था, उनके लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, सरकार का हर एक विभाग उसमें लगेगा और उसमें न केवल सरकार के लोग बल्कि कुछ एनजीओस वो भी लगेंगी। कुछ संस्थाओं को हमने जो एक्सपर्ट हैं उनमें उनको उसका कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है ताकि वो भी उसमें काम करेंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति को बाहर से आने वाले को, देश भर के सब प्रांतों जब आएंगे तो हर प्रकार की आवश्यकता उनकी रहती है, अलग अलग खान पान भी रहता है, अलग अलग मौसम से सब लोग आते हैं, अलग अलग रहन सहन का तरीका होता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए और व्यवस्था में प्रबंध में कोई कमी ना आ जाए, आवभगत हम लोग उनकी मेजबानी पूरी कर सके, ये सारा प्रबंध जो है ये किया जा रहा है। तो ऐसा एक प्रकार से विस्तृत कार्यक्रम बना है, इसमें पूरे हरियाणा के अंदर ये जो कार्यक्रम होंगे न केवल खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी, हम चाहेंगे कि पूरे हरियाणा के वहां पहुंचे, हर जिले से खास करके विद्यार्थी खिलाड़ी इन सबको हर दिन अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों को अलग अलग खेलों के हिसाब से रुचि रखने वाले, उसका पूरा टाइम टेबल छपेगा तो वहां लेकर के जाएंगे। दर्शक जितने उत्साह वर्धन करते हैं खिलाड़ियों का उसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि दर्शक अच्छे हों, दीर्घा में बैठने वाले लोग, खेलों का आनंद लेने वाले लोग जिस उत्साह में होते हैं, खिलाड़ी भी उसी उत्साह में होता है। उत्साह तो करने वाले को जो देखता है उसके कारण से ज्यादा बढ़ता है। मानो मैं उदाहरण देता हूं, हम लोग यह भाषण कर रहे हैं, ये भाषण तभी हमको आनंद आता है, सामने बैठे हुए तालियां बजाएंगे भाषण सुनेंगे तब आनंद आता है, और अगर हम भाषण करते रहे और सामने यानी या तो हो कोई नहीं और हो है तो चुप करके बैठा है, हाथ पाथ रख करके कुछ नहीं करता है, तो भाषण देने वाले को भी कोई आनंद तो नहीं आता कि आनंद आया। लेकिन उत्साह वर्धन खिलाड़ियों का भी ऐसे ही होता है, तो मैं चाहूंगा कि हम ज्यादा ज्यादा संख्या में इन खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने के लिए, और अपना भी उसमें लाभ होता है, अपना लाभ यानी मनोरंजन तो होता ही होता है, बहुत सी चीजें देख करके भी आदमी सीखता है। तो इस प्रकार से खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम है इसका प्रारंभ ये होने जा रहा है और मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का आभार भी प्रकट करूंगा कि इस बार ये गेम मेजबानी का जो अवसर है वो हरियाणा को दिया है। कोई भी प्रदेश जाके ला सकता था लेकिन हरियाणा को ये अवसर मिला है, और किसी भी राष्ट्रीय स्तर के खेलों का ये अवसर शायद संदीप सिंह जी इस पर बताएंगे कि पहली बार शायद हमको मिल रहा है, तो हम इस अवसर को गंवाएंगे नहीं। इसमें जितना यानी ज्यादा ज्यादा भूमिका हमारी जो अच्छी से अच्छी भूमिका है और हमारे जो खिलाड़ी हैं ये भी पदक लाने में सबसे आगे रहेंगे। अगर हमको ध्यान हो तो खेलो इंडिया 2020 का जो हुआ था उसमें हरियाणा का स्थान दूसरा स्थान रहा था और कुल 200 पदक हमारे खेलो इंडिया के जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो लेकर के आए थे, बहुत बड़ी टैली थी 200 पदक की। और इस बार तो क्योंकि मेजबान है, पदक तो खेल के ही लेना है, छीन के तो लेना नहीं है,
लेकिन खेलने में हमारा अपना क्षेत्र हो, हमारे अपने खिलाड़ी हों, तो मैं चाहूंगा कि इस बार हरियाणा इन खेलों में प्रथम आए, ये सब खिलाड़ियों को एक उस प्रकार का ऐसा